एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आता है। आश्रम की शांति में दो दिन बिताने के बाद वो बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और मुसीबतों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं ही इतना भागा क्यों हूँ। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिसने तुम्हें इतना व्याकुल और चिंतित कर रखा है। बुद्ध के प्रश्न के बारे में थोड़ी देर तक सोचने के बाद व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, ये कैसा बेतुका सवाल है, मैंने आपसे प्रश्न किया और आप उत्तर देने के बजाय मुझे इसे वापस प्रश्न कर रहे हैं। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख तुम्हारा है तो इसका कारण भी तुम्हें ही पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे दुख का कारण तुम्हें ही नहीं पता, तो फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मुझे तुम्हारे दुख का कारण पता होगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको मेरे दुख का कारण तो पता ही होगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और फिर गंभीर आवाज में बोले, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कोई और आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं से तुम्हें छुटकारा दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम्हारी परेशानियों से तुम्हें कोई छुटकारा दिला सकता है तो वो तुम खुद हो। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका हूँ तो मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूँ? नहीं, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, बस फर्क ये है कि अब मेरे अंदर कोई उलझन शेष नहीं रह गई, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर की भी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हें भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी पुष्प को ध्यान से देखा है? यह सुन व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, बुद्ध, पुष्प तो एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है, उसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, पुष्प भोर सवेरे के अंधकार में बस एक कली होता है, दिन के उजाले में खिलकर एक पुष्प बनता है और शाम होते होते मुरझाकर गिर जाता है। अगर पुष्प सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि शाम तक तो उसे मुरझाकर गिर ही जाना है, तो वो कभी भी खिल नहीं पाएगा। इसी प्रकार अगर तुम हर समय सिर्फ अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि अब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए तुम अभी खुश हो सकते हो, जिनके बारे में सोचकर तुम मुस्कुरा सकते हो, अंदर से खुश हो सकते हो। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन की कमियों की बजाय अपने जीवन की इन अच्छाइयों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुशी चाहिए तो तुम्हें इस शाश्वत नियम का पालन करना ही पड़ेगा, जीवन की अच्छी और सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पर चलने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति थोड़ी देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बुद्ध, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान एक ही बार में किया जा सकता है? बुद्ध ने बहुत ही शांति से जवाब देना शुरू किया। मान लो कोई भविष्य देखने वाला व्यक्ति तुम्हें यह बता देता है कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या ये जानने के बाद तुम उन बातों की चिंता करोगे जिनके बारे में सोचकर तुम अभी चिंतित हो रहे थे? नहीं, तुम्हें कोई ऐसी समस्या याद भी नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी चिंतित हो रहे हो, क्योंकि उस समय तुम केवल जीवन की उस सच्चाई के बारे में सोच रहे होगे जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। और अचानक तुम्हें महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी बातों को तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझ कर बैठे थे, वो तो कुछ भी नहीं थी। अचानक तुम्हें लगेगा कि चिंता करना तो व्यर्थ है, मैं तो शाम तक इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ, और तुम्हें अपने जीवन के वो सारे पल व्यर्थ लगेंगे जो तुमने चिंता, जलन और बेवजह के दुख में बिताए थे। लोग बोलते तो हैं, लेकिन वो कभी भी अंदर से स्वीकारते नहीं कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उनकी चाहत, उनकी इच्छाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वो खुद को अमर मान लेते हैं। खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, ये हमारे कर्मों और विचारों की वजह से पैदा होते हैं। व्यक्ति जो कि बुद्ध की बातों को पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा था, उसने बीच में रोकते हुए कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि मैं हमेशा ये सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं, और क्या ऐसा सोचना मेरी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो, बस तुम्हें यह स्वीकार कर लेना है कि इस दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है, और जब तक मैं यहाँ हूँ एक खुश जीवन जीऊँगा। जो भी अच्छी चीज़ें तुम्हारे जीवन में हो रही हैं या हैं, उनके साथ जियो, वो तुम्हें अंदर से खुशी और शांति देगी। अपने दिमाग को सही करो और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। इंसान के जीवन के ज़्यादातर दुख और समस्याएं उसकी इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं, इसीलिए अपने मन को नियंत्रित करो। अगर तुम अपने दिमाग को
एक बच्चे के दिमाग की जितना सुलझा कर रख सकते हो तो तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आपने मन के नियंत्रण की बात की, अपने इस चंचल मन को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें सबसे पहले खुशी और दुख के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। तुम्हें पहले ये जानना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। फिर उसके बाद अभ्यास के द्वारा तुम्हें अपने मन को ऐसे तैयार करना है कि ज़्यादा खुशी के मौके पर यह ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो और ना ही दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी। तुम्हें अपने आप को पूरी दृढ़ता के साथ मध्य में रखने का प्रयास करना है, जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूँ। अगर तुम अपने जीवन में गहराई से झांको और यह पता करने की कोशिश करो कि तुम्हारे दुख क्या हैं और ये क्यों पैदा होते हैं, तो अंत में तुम्हें इसका एक ही जवाब मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा लगाव ही तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। पर क्योंकि मन ही तुम्हारी सारी चाहत, सारी इच्छाएं पैदा करता है, इसीलिए अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बुद्ध के मुँह से ऐसी बात सुनने के बाद व्यक्ति ने उत्साहित होते हुए कहा, मुझे क्या करना होगा बुद्ध? बुद्ध ने कहा, अगले 2 दिनों तक तुम किसी से बात नहीं करोगे और 2 पेपर लेकर आश्रम की एकांत जगह पर बैठ जाओगे। वहाँ शांति से बैठकर तुम्हें सोचना है और पहले पेपर पर उन सारे दुखों के बारे में लिखना है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और साथ में ही तुम्हें उन सारे दुखों का कारण भी लिखना है, और दूसरे पेपर में तुम्हें उन सारी खुशियों के बारे में लिखना है जो तुम्हारे जीवन में भी है, और साथ ही तुम्हें इसका कारण भी लिखना है कि तुम्हें यह खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तुम आराम से सोच सकते हो। जाओ और जाकर आराम से बैठकर सोचो और लिखो। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और जाकर आश्रम के एक कोने में बैठ गया। 2 दिनों बाद वह बुद्ध के पास वापस आया। उसके हाथ में काफ़ी सारे पेपर थे। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, सबसे पहले मुझे तुम्हारे दुखों वाले कागज़ को पढ़कर सुनो। व्यक्ति ने पेपर पढ़ना शुरू किया। पहला, मेरे परिवार में मेरे सारे भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्जदार हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ। मैं काम से ज़्यादा आराम करता हूँ, और साथ ही मैं खुद की दूसरों के साथ तुलना भी करता रहता हूँ। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने अपना बहुत सा धन बचत के रूप में रख रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि मैं बहुत ही कम काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत थोड़ा ही कमा पाता हूँ, लेकिन मैं खर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ अपनी गलत संगति की वजह से, जिसका परिणाम ये है कि आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तीसरा, मेरी पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार है, और इसकी इस बीमारी का कारण मैं खुद हूँ, क्योंकि अपनी लापरवाही की वजह से मैं उसे कभी भी किसी वैद्य के पास नहीं ले गया। मैंने उसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह चाहत थी कि अगर मेरी पत्नी की इस बीमारी की वजह से मौत हो जाती है तो मैं किसी दूसरी सुंदर स्त्री से विवाह कर लूँगा। चौथा, मैं अपने मन में मुफ्त का धन पाने के बहुत से ख्याली पुलाव और योजनाएँ बनाता रहता हूँ, लेकिन जब वह योजनाएँ पूरी नहीं होती तो मैं दुख और चिंताओं के सागर में डूब जाता हूँ, और फिर मैं अपने इस दुख और चिंता से बाहर आने के लिए हर रोज़ मदिरा का सेवन करता हूँ, और अपनी इस आदत का जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास हर रोज़ मदिरा का सेवन करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करता हूँ। हालांकि मैं मदिरा और धूम्रपान के सेवन के बिना भी अपना दिन खुशी खुशी जी सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करने के लिए बहाने ढूंढता रहता हूँ। हे बुद्ध, ये चारों मेरे सबसे बड़े दुख हैं, और बहुत गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कहीं ना कहीं अपने इन चारों दुखों का कारण मेरे द्वारा किए गए कर्म और मेरे विचार ही हैं। यह सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब तो मुझे अपना खुशियों वाला कागज पढ़कर सुनो। इस बार व्यक्ति ने बहुत ही उत्साहित होकर पढ़ना शुरू किया। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने जो भी जाना और अनुभव किया, वह मैंने अब तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने यह महसूस किया कि मेरे अंदर असीम शांति और आनंद का सागर भरा पड़ा है, और मैं अपने इस अनुभव को पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है, जिसे पढ़कर आपको सुनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। व्यक्ति के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए भी कारण एक समान ही होते हैं। वो तो इंसान अपनी अज्ञानता बस अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देता है अपने दुख के कारणों का पता लगाने में, यहाँ तक कि हमारा जीवन तो खुशी, शांति और आनंद को इकट्ठा करने की एक तिजोरी है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपनी खुशी के सारे कारणों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसमें से कुछ को पढ़कर मुझे सुना सकते हो। व्यक्ति ने एक बड़ी मुस्कान के साथ पढ़ना शुरू किया। पहली खुशी इस बात की है कि मैं अभी जीवित हूँ और इस दुनिया में जी रहा हूँ। मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ। मेरे माता पिता हैं, एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। इस दुनिया के दूसरे खुशनसीब व्यक्तियों की तरह ही मेरे पास भी बहुत से अनमोल खजाने हैं, जैसे कि मेरे माता पिता का मेरे प्रति स्नेह, मेरे पत्नी का प्रेम, मेरे बच्चों का लाड़ प्यार और एक पिता बनने की खुशी। मेरी खुशी का अगला कारण ये है कि मैं काम कर सकता हूँ,
हूँ कि मैं स्वस्थ और तन मन से मजबूत हूँ। मैं कोई भी अच्छा काम सीखकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता हूँ और अपने परिवार की सभी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूँ बिना खुद की अपने पड़ोसियों और अपने भाइयों से तुलना करें। और आपकी कृपा से मेरे अंदर जिस मानवता ने जन्म लिया है उसकी सहायता से मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर एक खुशहाल और आनंदित जीवन जी सकता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि मैंने महान गौतम बुद्ध के चरणों में अपने लिए जगह पा ली है। और आपकी कृपा से मैं जब तक इस संसार में रहूँगा इस सत्य को याद रखूँगा कि हमारी इच्छाएँ और लगाव ही सभी दुखों का कारण है। और साथ ही खुद के मन पर नियंत्रण हासिल करने और खुद को जानने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है, अब तुम अपने परिवार के पास वापस जाओ और स्थिर बुद्धि व आंतरिक शांति के साथ इस जीवन को जियो। और आज के बाद जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परेशानियों से उपजा दुख तुम्हें घेरने की कोशिश करें तो खुद से कहना कि जीवन बहुत छोटा है और मैं इस जीवन में अपनी चिंताओं और दुख का गुलाम बनने नहीं आया। शांति से बैठकर अपने उस दुख का कारण जानने की कोशिश करना और मिलते ही उसे नष्ट कर देना, और केवल तभी तुम अपनी आंतरिक शांति और कभी न खत्म होने वाले आनंद को प्राप्त कर सकते हो।